कहा जाता है कि एशिया का ये सबसे गर्म कुंड है क्योंकि इसका जो तापमान है वो 88 डिग्री के लगभग में रहता है। कब से ये शुरू हुआ है और ये चलता आ रहा है? जिसे ये कब से शुरू हुआ है हम लोग नहीं जानते, पूर्वज लोग से चला। मनवांछित फल प्राप्त होता है। ये सूर्यकुंड का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है, जो 15 मिनट में चावल इसके अंदर अंदर पक जाता है। तत्पश्चात इसमें जो है 5 कुंड बनाए गए हैं इसके इर्द गिर्द में, प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो बिल्कुल निकटतम है। सभी कुंड का टेम्परेचर अलग अलग है, सीता कुंड, राम कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड जो है वह सभी कुंड का मुखिया है, मेन है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो गंदगी फैलाने के लिए आते हैं, स्नान करके चल जाते हैं, पर सफाई के लिए किसी प्रकार का चिंता नहीं। यही है सूर्य कुंड और यहाँ पे खोलता हुआ पानी आप देखेंगे। कहा जाता है कि एशिया का ये सबसे गर्म कुंड है क्योंकि इसका जो तापमान है वो 88 डिग्री के लगभग में रहता है। और यहाँ से आप देखेंगे इसका वास्तविकता यहाँ पे दिखता है, और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं, वो सारा कुछ पूरा होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी लोग इस मेला में आते हैं ये सूर्य कुंड का दर्शन अवश्य करके जाते हैं और यहाँ से मन्नतें मांग करके जाते हैं। क्या यहाँ का विशेषता बताइए कि श्रद्धालु आते हैं तो सूर्य कुंड के बारे में क्या जान सकते हैं? यहाँ के लोग जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर परंपरा से चला है, औला फल डाला जाता है मनोकामना के लिए। कोई भी मनोकामना सोच के लोग डालते हैं तो उसको भगवान निश्चित पूर्ण कर देते हैं, इसलिए लोग वही श्रद्धा के साथ भीड़ उमंग रहता है। और साथ ही साथ मेला लगता है यहाँ पर, 5 प्रकार का कुंड है। आइए देखिए, सूर्य कुंड है, बगल में सीता कुंड है, ब्रह्म कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, राम कुंड है। ये 5 कुंड में 5 तरह के स्रोत है। ये तो 88 सेंटीग्रेड तापमान है सूर्य कुंड का, 88। इसी के बगल में सीता कुंड है जो बिल्कुल ठंडी है, उसके बगल में लक्ष्मण कुंड है, फिर उसका 20 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद राम कुंड है वे फिर 15 डिग्री है, फिर ब्रह्म कुंड है 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बने अनेक प्रकार के हैं। यहाँ चर्म रोग जिसको हो जाता है वे स्नान करने से उसका चर्म का रोग जो होता है सब मुक्त हो जाते हैं। हम भगवान के मनोकामना लेकर जो भी आए हैं उनका पूर्ण हुआ है, इसी का भीड़ ये रहता है। और ये साल में प्रत्येक साल लगता है, एक ही साल नहीं प्रत्येक साल लगता है ये मेला यहाँ पर। और देखिए भगवान दया से यहाँ जो है आता जो आए सब मनोकामना पूर्ण हुआ। कब से ये शुरू हुआ है और ये चलता आ रहा है? जिसे ये कब से शुरू हुआ है हम लोग नहीं जानते, पूर्वज लोग से चले आ रहे हैं। अभी हम लोग का 40-45 वर्ष ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग उसका आगे कब से ये हम नहीं बता सकते हैं। और कुछ हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ का खासियत क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कहिएगा? कहेंगे सर्वप्रथम हम यह जानकारी देना चाह रहे हैं कि लगभग हम लोग जैसा पूर्वजों के द्वारा जो हमें लोगों की जानकारी प्राप्त हुई है कि 1200 ईस्वी से ऐसा ही मतलब कि सूर्यकुंड का निर्माण हुआ है। 1200 ईस्वी, हाँ। ये प्राकृतिक स्रोत है, इसमें मनवांछित फल भी प्राप्त होता है और लोग औला भी डालते हैं, औला फल का डाला जाता है। इससे पंडित जी लोग अपने तंत्र मंत्र के द्वारा फिर औला फल का गच्छित करते हैं, लोगों का मनवांछित फल प्राप्त होता है। ये सूर्यकुंड का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है, जो 15 मिनट में चावल इसके अंदर अंदर पक जाता है। तत्पश्चात इसमें जो है 5 कुंड बनाए गए हैं इसके इर्द गिर्द में, प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो बिल्कुल निकटतम है। सभी कुंड का टेम्परेचर अलग अलग है, सीता कुंड, राम कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड जो है वह सभी कुंड का मुखिया है, मेन है। इस प्रकार यहाँ पर औला का भी गच्छित होता है, और नहाने के लिए इसके अलग अलग कुंड बनाए गए हैं, जो महिलाओं को सेफ्टी के दृष्टिकोण से अलग कुंड बनाया गया है, और पुरुषों के लिए भी अलग कुंड बनाया गया है। और NH2 का सामने होने के पश्चात भी लगभग 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है NH2 से, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट विकसित करना चाहिए ये तो विकसित नहीं हो पाई है, ये देखने की बात है। क्या कमी अभी आपको लगता है जिस पर काम हो ताकि और भी सुविधा यहाँ पे दिया जाए? प्रथम यहाँ पर लोगों को, जो बाहर से आए हुए पर्यटक लोगों को पैदल की असुविधा उठानी पड़ती है। अगर सरकार इस पर विशेष चिंतन करे तो पैदल प्रथम स्थान है। दूसरा है कि साफ सफाई, ये सब जो है सो थोड़ा सा यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रस्ट और सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई जाती है, जिससे यहाँ पर कुंड गर्म गंदा रहता है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो गंदगी फैलाने के लिए आते हैं, स्नान करके चल जाते हैं, पर सफाई के लिए किसी प्रकार का चिंतन नहीं किया जाता है। कुछ समाज सेवी लोग यहाँ पर हैं ऐसे, जो अपने इच्छा अनुसार समय देकर और सफाई करते हैं और कुंड का देखभाल करते हैं। तो हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्वप्रथम पैदल का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और तत्पश्चात यहाँ पर जो भी भवन बिल्डिंग बने हैं वो पानी अभाव रहने के कारण शौचालय बंद है,
लोगों जो बाहर से आए हुए सैलानियों का शौचालय की असुविधा उठानी पड़ती है, ये सभी पर फोकस करने की जरूरत है। और आपके नज़र में इस प्रकार का कोई समस्या लगता है जिसका समाधान होना चाहिए? हाँ, ये तो ये हो गया, कुछ दिन पहले ही बिजली की समस्या का समाधान हुई है। पहले तो यहाँ पर अंधेलापन ही दिखाई पड़ रहा था, रात में लोगों को आने जाने और यहाँ पर असुविधा होता था, लेकिन कुछ दिनों पश्चात बिजली की व्यवस्था जो है दुरुस्त हुई है। यहाँ पर रात को भी बिजली की लाइट मिल जाता है, लोगों को बिजली संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो पा रही है। लेकिन पैदल का सर्वप्रथम असुविधा है जो पैदल का मुहैया होना चाहिए। एक कठोर प्रश्न आपसे रहेगा कि श्रद्धालु जो दूर से आते हैं उनके लिए जो बिल्डिंग बना हुआ है आपके यहाँ, उसका उद्घाटन हुआ है क्या, उसका इस्तेमाल हो पाता है क्या? नहीं नहीं, दूर से जो आए हैं वो बिल्डिंग का नहीं हो पा रहा है उसका प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी जो भवन बना हुआ है उसमें शौचालय तो है, लेकिन जल के अभाव के कारण शौचालय बंद है। और बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ पर ठहराव करते हैं, उन लोगों को ये जो आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता, ये आवश्यकता नहीं मिल पाने के कारण इन लोग यहाँ पर रुकने में सैलानियों और यात्रियों को बहुत असुविधा होता है। चलिए, ये सारा विशेषता यहाँ से आपने जाना और इस प्रकार के समस्याओं का समाधान यदि हो जाए तो ये सूर्यकुंड और भी अगले स्तर तक जा सकता है और भी श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं। चाचा, क्या आपको लगता है कि इसका विकास होना चाहिए, है ना? हमारे इस जगह सूर्यकुंड धाम जो है एशिया के अंदर सबसे गर्म पानी ज़्यादा है ये। हाँ, हमारे ये स्थान जो है 1812 में ये पटियाला के महाराजा थे ना, उनका नाम था नरेंद्र सिंह था, वो उड़ीसा जा रहे थे, कटक जा रहे थे, वो बहुत 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 घना जंगल था, जंगल में उनके पाले घोड़ा का पाव चलते थे, उड़सारनी लोग राजा महाराजा लोग पाले जमाने के लोग जानते हैं। आप तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा सबके लिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे श्रद्धालु यहाँ पे अभी आए हुए हैं और इसी प्रकार से 15 दिनों तक यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लगी रहेगी और बनी रहेगी। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सबसे गर्म कुंड था और इसी का नाम है सूर्य कुंड, और इसी प्रकार से 4-5 और भी कुंड है। चले।